इख्तिताम दे उत्ते उहदे दरमियान दे अंदर या इख्तिताम ते मैं उन्हां दी पूरी तकरीर और वीडियो साडे कोल नहीं पहुंची ना असां सुनी। उन्होंने एक जुमला बागे फद्दक दा मसला बयान करदे आखिया कि जब सजदा ज़हरा पाक मांग रही थी सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अनहो से उस वक्त खिताब पर थी जलाली साहेब आले सुन्नत में आपका बड़ा कद है, आपके बड़े कारनामे हैं, आपने तौहीद सेमिनार करके पाकिस्तान के उलेमाए वहाबिया से 14-15 उलेमाए वहाबिया को निकाल के आले सुन्नत के अजीम दलाइल देकर उनको सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर गामजन किया है, लेकिन आपका तमाम पिछला किरदार खूबसूरत, लेकिन ये जुमला आपका दुरुस्त नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतशम सामईन व नाज़रीन हाज़रीन, मौजूदा हालात के गर्दोपेश में जो अहले सुन्नत व जमात में एक तशवीश की लहर दौड़ रही है, और फिर सुन्नियत के लिबादे में जो काली भेड़े छुपी हुई थी और अपने बातिल नज़रियातों अकायद को प्रमोट कर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो सब के सामने आया और वाज़ेह हो चुकी हैं। अब हमारी ज़िम्मेदारी इन मौके पे क्या बनती है कि हम अपने अकायद व नज़रियात जो कि अकायद आले सुन्नत है, नज़रियाती आले सुन्नत है, हम उनका दिफा तहफ़्फ़ुज़ करने के लिहाज से अपनी जो कोशिशें हैं उनको तेज़ तर कर दें। हज़रत कायद अहले सुन्नत कंज़ुलनमा बहरुल उलूम मुअल्लिम यासर हज़रत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली ज़ीद अशरफ़हू ने जो अकीदे मासूमियत के लिहाज से मकालाजात पेश किए हैं और फरमा रहे हैं, यकीनन वो अकायद अहले सुन्नत नज़रियाती अहले सुन्नत के हामिलीन के लिए बहुत बड़ा सरमाया है। और फिर जो आपकी ज़ात के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उसमें जो अगयार पेश हैं, लेकिन उनके पसे पर्दा, उनके पसे पुश्त रहकर कुछ नाम निहाद आपने भी हज़रत क़िबला कन्ज़ नमा ज़ीद अशरफ़हू की ज़ात से अपना जो ज़ाती बुग़्ज़ है, अदावत है, वो निकाल रहे हैं। जब ये मसला बना तो उस वक्त सुप्रीम उलमा कौंसिल के नाम से जो कि आले सुन्नत व जमात के खुतबा की कौंसिल है, उन्होंने भी एक पोस्ट शेयर की जिस पर उन्होंने हज़रत क़िबला कंज़ुलनमा ज़ीद अशरफ़हू की ज़ात से ये मुतालबा किया कि आप ये करें, आप वो करें, इस तरह के मुतालबात उन्होंने रखे। मैंने उस कौंसिल के एक ज़िम्मेदार से राबता किया, मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद चिश्ती गोलड़वी साहब। तो नाज़रीन किराम, ये उन दिनों की बात है कि जब मुजाहिद अहले सुन्नत पासबान मसलक रज़ा हज़रत आलामा मौलाना मोहम्मद खावर हुसैन नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हुआ और हज़रत क़िबला कंज़ुलनमा ज़ीद अशरफ़हू जनाजा पढ़ने के लिए तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ ये मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद चिश्ती गोलड़ी साहब भी तशरीफ़ लाए हुए थे। तो इन्होंने साहबजादा पीर हामिद रज़ा आफसियालकोट शरीफ ज़ीद अशरफ़हू उनसे ये कहा कि हम जलाली साहब के पीछे जनाजा नहीं पढ़ेंगे, लिहाजा आज दो जनाजे होंगे। उन्होंने फरमाया क्यों, क्या वजह है? तो उन्होंने बोला कि हज़रत क़िबला कंज़ुलनमा ज़ीद अशरफ़हू माज़ल्ला गुस्ताख हो चुके हैं, उन्होंने सैयदा तय्यबा ताहिरा, सैयदा खतून जन्नत, सैयदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह की माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला तौहीन की है, गुस्ताखी की है, लिहाजा हमारा उनके पीछे जनाजा नहीं होता। जिस पर साहबजादा पीर हामिद रज़ा आफसियालकोट शरीफ ज़ीद अशरफ़हू ने यह फरमाया कि जनाजा एक ही होगा, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, नहीं पढ़ना चाहते तो आप ना पढ़ें। जिस पर मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद चिश्ती गोलवी साहब ने जनाजा अदा किया, और जनाजा पढ़ने के बाद इन्होंने क़िबला कंज़ुलनमा ज़ीद अशरफ़हू की दस्तबोसी भी की। अब अंदाज़ा लगा लें कि एक शख्स के थोड़ी देर पहले जो गुस्ताख था माज़ल्ला बकौल मौलाना अब्दुल हमीद चिश्ती गोलवी साहब के, और जिस शख्स के पीछे ये साहब जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे थे, लेकिन बाद में उसी शख्स के ये हाथ भी चूम रहे थे, अब इसको क्या नाम दिया जाए? ये तो ख़ुद नाज़रीन कराम आपने फ़ैसला करना है, या उस मौसूफ ने मौलाना अब्दुल हमीद चिश्ती गोलड़ी साहब ने ख़ुद ये फ़ैसला करना है कि जिस शख्स को माज़ल्ला मैं गुस्ताख ठहरा रहा था, मैं उसके थोड़ी देर के बाद हाथ भी चूम रहा था। खैर, मैंने जब इससे बोला कि कल तुम्हारी हज़रत क़िबला कंज़ुलनमा ज़ीद अशरफ़हू से मुलाकात भी हुई है और तुमने दस्तबोसी भी की है, वहाँ तुम उनसे बात कर लेते, इस मामला पर डिस्कस हो जाती और अपना जो तुम्हें एक कन्फ्यूजन था वो आप क्लियर कर लेते, तो इन्होंने मुझे बोला कि वहाँ पे रश था और मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उनसे बात करूँ। खैर, मैंने नहीं बोला कि फिर आपको ये पोस्ट शेयर नहीं करनी चाहिए थी।
तो उन्होंने कहा हमने नहीं की बल्कि हमारे इस कौंसल के जिम्मेदार पीर सैयद बुरहान हैदर शाह साहब हैं, उन्होंने शेयर की है, लिहाजा मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। खैर मैं उस पर खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद ही हज़रत क़िबला कन ज़ुल्मज़ीद शरफ़हु का वज़ाती बयान भी आ गया कि जिसमें आपने फरमाया कि मेरे से ख़ता इज्तियादी मुराद थी और आइंदा वो भी नहीं बोला जाएगा, बल्कि जब मसले फदक को बयान करना होगा तो हम ये कहेंगे कि सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा व रदियल्लाहु अन्हा मासूमा नहीं है और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु माज़ल्ला गासिब और ज़ालिम नहीं है। जिस पर मुझे मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद चिश्ती गोलड़ी साहब ने वॉइस मैसेज किया और बोला कि हम हज़रत क़िबला कन ज़ुल्मज़ीद शरफ़हु के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने जो अहले सुन्नत में एक तशवीश की लहर दौड़ रही थी उन्होंने वजात फरमा कर वो ख़त्म कर दी है, हम शुक्रिया अदा करते हैं, वो अब समाप्त कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम जनाब। इमरान साहब अल्लाह ताला तुम जजाद है, डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया जिन्होंने तफसीली गुफ्तगु भी खूब फरमाई और आखरत उत्ते तबसरा फरमाते आया। इज्तिहादी खता आपने अल्फाज बयान फरमा के आले सुन्नत दे शराजे नु बिखरन तो बचाया। अल्लाह ताला अपने महबूब का सदका आप दा साया हमेशा आले सुन्नत सलामत रखे, आमीन। जी नाज़रीन इकराम आपने समात फरमाया है। अब मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद चिश्ती गोलड़ी साहब का ये वॉइस मैसेज मुझे भेजना ये इस बात की दलील है कि वो मुकम्मल तौर पर 100% हज़रत क़िबला कन ज़ुल्मज़ीद शरफ़हु का जो मौक़िफ़ है उस पर मुतमईन हो चुके थे, फिर ही उन्होंने मुझे ये वॉइस मैसेज भेजा है। लेकिन उसके बाद भी मौलाना अब्दुल हमीद चिश्ती गोलड़ी साहब खामोश नहीं हुए, तहरीक चला रहे हैं, बाकायदा इस पर काम और वर्क करते रहे हैं। सियालकोट के कुछ दोस्तों ने मेरे से रब्ता किया और मुझे बोला कि मौलाना अब्दुल हमीद चिश्ती गोलड़ी साहब अभी भी इस तरह की पोस्टें शेयर कर रहे हैं, लिहाजा उनसे रब्ता किया जाए। मैंने दोबारा रब्ता किया और मैंने इन्हें बोला कि हुजूर आप अभी तक भी इस तरह के मामलात कर रहे हैं तो आपको अब तो नहीं करना चाहिए, जबकि आपने मुझे कह दिया है कि हम उनकी वजाहत पर मुतमइन हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कि मेरी जितनी भी आईडीज़ हैं वो सारी की सारी बंद हैं, मेरा ऑफिशियल पेज वो भी बंद है, ब्लॉक है, और ये जो पोस्टें शेयर हो रही हैं ये सियालकोट के जो ज़िम्मेदार हैं यानी डॉक्टर खादम हुसैन खुर्शीद अल अज़री साहब वो और उनके बंदे ये पोस्टें शेयर कर रहे हैं। तो मैंने इनसे बोला क्या उनकी तारीख या उनकी कौंसिल अलग है? इन्होंने बोला कि नहीं हमारी कौंसिल एक ही है, सिर्फ कुछ हमारे इख्तलाफात हो चुके हैं जिसकी वजह से वो अलग हैं और हम अलग हैं, लेकिन हमारी कौंसिल एक ही है, तो आप उनसे रब्ता करें। खैर मैं फिर खामोश हो गया। कुछ दिन गुजरे तो फिर वही मुझे जो सियालकोट के दोस्त थे उन्होंने फरमाया कि अब फिर दोबारा मौलाना अब्दुल हमीद चिश्ती साहब ने एक निजी महफिल में बैठकर इस तरह की गुफ्तगू की है, वो आप समाप्त फरमा सकते हैं। सानू ना गवर्नमेंट खलोन देती है भाई, ना अज तक रजवी साहब के उत्ते जिहड़ा एक्शन सी के एजेंसियां उहनां दे नाल खलोतियां ने होणगियां, मैनू नहीं पता मैं कड़ा विच सां। रजवी साहब के मुतलक जो जो बयान आए ने रजवी साहब के मुतलक भी इंज के लफज कौमी असम्बली सुननी किसी ने अज तक इंज की जुत्ती नहीं मारी जी कल इमरान शाह जुत्ती मार गया साढ़े मुंह से। इमरान शाह ने असम्बली के अंदर करारदात एक नहीं चार असम्बले ने करारदाता कि साढ़े सुनिया के मुँह से जुत्ती पै गई और कल इमरान शाह ने जुत्ती मार दी है ना, असं किसी मुँह बखान जो कह रहे हैं। हूँ शीया जो बकवास कर रहे हैं ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਤਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਤਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂ। ਅਸਾਂ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਖਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਉਲਮਾ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਕਰਾਮ ਆਪਨੇ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਇਆ। अब इस महफ़िल के अंदर जो कि एक निजी महफ़िल है, अब उसके अंदर मौलाना अब्दुल हमीद चिश्ती साहब गोलड़ी साहब किस तरह के अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं कि इससे पहले आले सुन्नत को इन हालात का सामना नहीं करना पड़ा जितना कि इस वक्त करना पड़ रहा है, कि यानी हज़रत क़िबला कन ज़ुल्मज़ीद शरफ़हु की ज़ात की वजह से आले सुन्नत मुँह दिखाने के काबिल नहीं रही, कि असम्बलीज़ के अंदर करारदाद पेश की जा रही हैं और ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, लिहाजा जलाली साहब ने हमें किसी काम का नहीं छोड़ा, इनका कहने का ये मकसद था। तो मैं मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद चिश्ती गोलड़ी साहब से बड़े ही अदब से ये गुजारिश करूँगा कि मौलाना अब्दुल हमीद चिश्ती गोलड़ी साहब हज़रत क़िबला कन ज़ुल्मज़ीद शरफ़हु की वही ज़ात है कि जिनके बारे में तुम खुद ये फरमाते थे कि वो हमारे मोहसिन हैं, आले सुन्नत के अकायद व नज़रियात पर उन्होंने पैरा दिया है और हम उनके खिताबात उनके लेक्चर्स
سن کے آگے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور اپنے خطابات ان کے خطابات سے تیار کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جلالی صاحب کی تقریرات سن کے، کتاباں پڑھ کے، بعض کرنے والے لوگوں کا ابھی کیڑا کوئی بڑے فاضل سے جناب مدرس بن کے بیٹھے ہیں۔ تو جناب مولانا محمد عبدالحمید چشتی گولوی صاحب، حضرت قبلہ کن جو نماز عید شرف ہو کا جو آپ پر احسان ہے، آپ ساری زندگی بھی وہ نہیں چکا سکتے۔ وہ دن بھی یاد کریں کہ جب بد مذہب بد مسلک تم پر کفر و شرک کے اور جو ارتداد کے اور بدعت کے فتوے لگا رہے تھے کہ تم میں سے کوئی درود شریف پڑھتا، کوئی ختم شریف پڑھتا، کوئی میلاد شریف کی محفل کا اہتمام کرتا، گیارہویں شریف کی محفل کا اہتمام کرتا، اس پر سیدھا شرک کا فتویٰ لگتا تھا، اگر تمہیں ان فتووں سے کسی شخص نے بچایا ہے تو حضرت قبلہ کن جو نماز عید شرف ہو کی ذات ہے۔ آپ ان کو اپنا محسن سمجھیں یا نہ سمجھیں، ما ذاتی تعصب، عناد، بوس اور عداوت کی وجہ سے اسے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن یہ تاریخ رقم کرے گی کہ آل سنت کے عقائد و نظریات پر جس شخص نے پیرا دیا اور وہ سارے ٹاپک پہ بد مذہب جس کو زیر باس لا کر کفر و شرک کے فتوے لگاتے تھے، الحمدللہ آج وہ ہمارا جو موضوع سخن تھا، ہمارا خطیب، ہمارا مقرر، ہمارا وائز اس کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتا ہے، لیکن بد مذہب اس پہ کسی قسم کی ڈسکس یا اس پر باس مباحثہ نہیں کرتا، چونکہ ہمارے اس وائز، ہمارے اس مقرر یا خطیب کے پاس اب دلائل آ چکے ہیں۔ تو آپ کا اس طرح کی یہ گفتگو کرنا یہ ماز تعصب، ذاتی انعد، بغض کی بنیاد پر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے پھر ان سے رابطہ کیا کہ میں نے کہا کہ آپ کا یہ اس طرح کا جو اندازی گفتگو ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، تو لہٰذا آپ مہربانی کریں، اس طرح کی گفتگو حضرت قبلہ قائد علیہ سنت زیدہ شرف ہو کے لحاظ سے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جس پہ انہوں نے مجھے بولا کہ میں بالکل نہیں کر رہا، میں نے جو کچھ کہنا تھا آپ سے کہہ دیا، اس کے علاوہ میں بالکل نہیں بات کرتا، لیکن یہ اپنے خطابات میں پھر بھی اسے بات نہیں آ رہا ہے، یہ ان کا جو بیان ایک نیا ہے وہ بھی آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ ساڈے مسلک دے علامہ ڈاکٹر محمد آصف اشرف جلالی صاحب، انہوں نے باغ فدق دا مسئلہ بیان کر دیا، اختتام دے اتے او دے درمیان دے اندر، یہ اختتام تے میں انہوں دی پوری تقریر اور ویڈیو ساڈے کول نہیں پہنچی نہ اساں سنی، انہوں نے ایک جملہ باغ فدق دا مسئلہ بیان کر دیا کیا کہ جب سجدہ زہرا پاک مانگ رہی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس وقت خطا پر تھی۔ جلالی صاحب، آل سنت میں آپ کا بڑا قد ہے، آپ کے بڑے کارنامے ہیں، آپ نے توحید سیمینار کر کے پاکستان کے علماء وہابیہ سے 14-15 علماء وہابیہ کو نکال کے آل سنت کے عظیم دلائل دے کر ان کو صراط مستقیم کے رستے پر گامزن کیا ہے، لیکن آپ کا تمام پچھلا کردار خوبصورت، لیکن یہ جملہ آپ کا درست نہیں ہے۔ اب اس سے پہلے بھی ان کے ایسے خطابات میرے پاس موجود ہیں کہ جو جناب ایمانی ابی طالب کے لحاظ سے انہوں نے اس قدر لوز ٹاکنگ کی ہوئی ہے کہ وہ اپنا ایمان چیک کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ اب اپنے نام کے ساتھ یہ چشتی بھی لکھتے ہیں، گولڑوی بھی لکھتے ہیں، اور اپنی نسبت تائیدار گولڑا علیہ رحمہ سے یہ منسوب کرتے ہیں، جبکہ حضور تائیدار گولڑا رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو جناب ایمانی ابی طالب کے لحاظ سے موقف ہے، شاید ان کو اس کی خبر نہیں ہے۔